लेट मी गिव यू एन अदर सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन कोई अचानक से लाके बंदूक यहां धर दे तो क्या हालत होगी सोचिए आप उस समय जब भय आता है मन में जब डर आता है मन में तो कितना दुख आता है तो नरक क्या है दुख भय क्या है दुख शोक क्या है ये दुख और ये सारे दुख क्या है यही तो नर्क है और क्या है तो हिंदू सनातन धर्म है आर्य समाज है इन सब का एक कहीं ने कहा ये कॉन्सेप्ट है क्या कॉन्सेप्ट ना के हम इसे फंडामेंटल प्रिंसिपल कहेंगे बट समथिंग विच इज वेरी एक्सप्लोरेबल इसे ढूंढा जा सकता है इसे समझा जा सकता है उसका एक तरीका है उसका एक मेथोडोलॉजी है जिससे इस चीज को बिल्कुल कंफर्म किया जा सकता है कि ये बात सत्य है या नहीं है क्या हमारा अगला जन्म होता है या नहीं होता है हमारा पिछला जन्म होता है या नहीं होता है क्या एक ही जन्म है या बहुत से जन्म होते तो वैदिक साइंस कहती बहुत से जन्म होते आपकोलॉजी अगर बहुत से जन्म होते हैं तो फिर हमें याद क्यों नहीं है तो देखिए जब आप एक साल के थे तब क्या कुछ हुआ क्या आपको वो सब याद है जब आप छह महीने के थे तब क्या कुछ हुआ क्या आपको याद है अगर मैं आपसे कहूं आज से तीस साल पहले के किसी एक दिन तारीख के बारे में पूछूं तुम क्या कर रहे थे ठीक किसी समय पर क्या आपको याद है हमारी मेमोरी तो कितनी लिखी है एक ने कहा जी ये कहां आप चले गए छह महीने के जब आप थे वो तब क्या याद है या नहीं हमें तो याद ये नहीं रहता कि सुबह ब्रेकफास्ट क्या खाया था तो जब जन्म में थे तब क्या हुआ था हमें कहां से याद होगा सो दिस इज इंट अ वैलिड लॉजिक दैट जस्ट बिकॉज यू डोंट रिमेम्बर दैट थिंग डजेंट एग्जिस्ट इट डज़ श्री कृष्ण गीता में कहते हैं आश्चर्य पश्यति कश्चिदेन कश्चिदेन आश्चर्य वदती तथा चन्य आश्चर्य वैन मन शुणोति श्रुवा कहते हैं बड़ा आश्चर्य है कि इस ज्ञान को कोई कोई सुनेगा अब कृष्ण कितनी पुरानी बात कह रहे हैं ये गीता का अगर हम ऐतिहासिक काल अगर हम देखे तो ये तो बहुत पुराना है इतने पुराने समय की इस श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं कि यह आश्चर्य है कि कितने लोग इस ज्ञान को सुनेंगे और कितने लोग हैं ज्ञान को सुनने के बाद इसे समझेंगे और फिर कितने लोग है आश्चर्य है कि इन सुनने वालों में कोई होगा जो इस ज्ञान को फिर बोल सकेगा मैंने इस ज्ञान को बोल सकेगा और फिर कितने हैं ये भी आश्चर्य है कि कौन लोग होंगे जो इस ज्ञान को सुनेंगे शुणोती सुनने वाले बहुत थोड़े और फिर कितने होंगे कि सुनने के बाद इसको समझ भी उनको आ जाएगी इस ज्ञान के लिए बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए पैसा कमाना तो बड़ा मोटा मोटी बुद्धि में भी काम चल जाएगा कई बार कई लोग ऐसे हम देखते हैं जिन्हें देख के लगता है कि अरे इसे तो अकल ही कुछ नहीं पर जरा जाके उसकी कोठी देखो उसका घर देखो तो लगता है इसने इतना कमाया कैसे अकल तो है नहीं इसको कोई लोग तो हिम्मत करके पूछ भी लेते भी कमाया कैसे तूने बाप दादा का जायदाद मिल गया है तुझको कहे नहीं ये तो मैंने बनाया है तो लोगों को विश्वास नहीं हो तो कैसे तो रुपया पैसा कमाने में बहुत ज्यादा अकल की जरूरत नहीं है मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं चाहिए उसमें भी स्ट्रीट स्मार्टनेस चाहिए इंटेलेक्ट चाहिए अकाउंट्स की अकल चाहिए कहाँ लेना कहाँ देना कहाँ प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना सस्टेनेबिलिटी कहां से आएगी दिस ऑल रिक्वायर्स थिंकिंग बट यू डोंट हैव टू बी एन आइंस्टाइन टू बी रिच एंड मी से आइंस्टाइन वज नॉट इवन रिच बट टू अंडरस्टेंड हुई एम मेरा असल स्वरूप क्या है ये समझने के लिए इस ब्रह्म विद्या को समझने के लिए जानने के लिए बहुत श्रेष्ठ बुद्धि की जरूरत है अब इस बुद्धि को अच्छा करने की जरूरत है सबसे पहले सूक्ष्म सूक्ष्म बनाने की जरूरत है कैसे बनाएंगे The more mind is integrated, quiet and concentrated, the more possibility of our understanding these intricacies of Gyan is possible. Man ekagra chahiye. Man vikra hua nahi chahiye. Man ekdom tika hua ho na chahiye. और एकाग्र मन से और ठिके हुए मन से जब आप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ किसी गुरु को सुनते हैं और आपके वो बात समझ भी आ जाए उन्होंने क्या समझाई है तो पॉसिबिलिटी है कि फिर शरीर क्या है ये इंद्रियां हमारी सेंस ऑर्गन्स क्या है हमारा मन क्या है हमारा बुद्धि क्या है चित्त क्या है अहंकार क्या है और इस सबके रूट में जो अविद्या है वो क्या है और मैं कौन हूँ ये सब कंपोनेंट्स जो मेरे हैं मेरे अपने सब कंपोनेंट्स का ज्ञान मुझे धीरे 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 होने लग जाता है It's not difficult at all.